ઉદાહરણ કેમ કે એકવાર મુસ્લિમ મહિલાઓ બહાર બેન બહેન અપને રિસ્પેક્ટ ઠીક હે એન્ડ મેં ઉસને મના નહીં કરુંગી લેકિન ઉન્હોને વો દૂસરી સાઇડ છે દેખીને વો અનદેખા કરના ચાહતી હે તો મેં ઉનકો દિખાના ચાહતી હું કે જબ બાત કરતે હો કે किसी ने तीन बार तलाक बोल दिया है ये आप आपका जो क्या किताब का इस्लाम में कुरान में लिखा है आपको ये करना बदल नहीं सकते हो अगर आपने ये कहा बदल नहीं सकते तो मैं आज पूछना चाहता हूँ कि 21 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जिसमें पाकिस्तान आ जाता है मोरक्को ईरान टूनिसिया अल्जीरिया ये सब आ जाते हैं और उन्होंने अपने अलग से क्या कितने मुस्लिम फैमिली लॉ ऑडियंस लाया है पाकिस्तान ने तो और मोरक्को फैमिली का काउंसिल है वहां पे मोरक्को में जिसमें ये कहते हैं कि आप लोग ये तलाक तलाक बोल के कोई तलाक नहीं होगा जुडिशरी की प्रोसीजर उस तरफ करो और करो डिवोर्स और उसमें कोई गलती नहीं है भाई डिवोर्स है ना तो होना है लेकिन अगर जो बहन के साथ अन्याय होता है और दूसरा आपको मुझे नहीं सिखाना चाहिए लेकिन आप ही के कुरान में जो आपकी मेहर की वो जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो आप लोग शादी में आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है जो मेहर देते हैं मेन वुमेन को मेहर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट आप जब तोड़ते हो तो आप सिर्फ ये तलाक तलाक बोलकर तोड़ते हो जबकि ये सारे ये दूसरी कंट्रीज की मैंने बात की वो तो बहुत क्लियर है और आपके कुरान में भी क्लियर है कि डिवोर्स देने से पहले उनके जो ड्यूज जो भी लॉजिकल ड्यूज जो वाइफ को देने चाहिए जो उनके हक है वो देने चाहिए वो देने पड़ते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी अभी प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रही है क्यों ये बहने आप बोलते हो जो पीड़ित बने तो ऑब्वियसली अगर आपकी 1 करोड़ की बस्ती एग्जाम्पल लू तो 10% पीड़ित है तो बहन ये कम नहीं है आप ये समझोगे कि 1 करोड़ की पीड़ित होगी वो पॉसिबल भी नहीं है तो अगर ये 10% के जो भी बहने पीड़ित है वो बोल रही है उनके साथ न्याय हो रहा है तो अभी सिर्फ हम न्याय की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि हम कुरान चेंज नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर दूसरी 21 कंट्रीज में अगर इसका चेंज हो सकते इसमें क्या चेंज नहीं कहते इसमें रिफॉर्म ला सकते हैं तो और अकॉर्डिंग टू कुरान तो इंडिया में क्यों नहीं आ सकते एग्जैक्टली exactly.